अभीरा की वजह से रूही ने छोड़ा घर और वहीं अभीरा को मिला धक्का, वो भी उनकी सास की तरफ से, यानी कि अरमान की माँ की तरफ से, जहाँ पे अभीरा को धक्का भी दिया और ये भी बोला कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ, तुम मेरी बहू यानी कि रूही को टच मत करो। और रूही तक ने अभीरा को बोल दिया है कि अगर ये अभीरा इस घर में रही तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। सो गई ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं ऐसा लग रहा है कि जो शो की मेन लीड या हीरोइन है, मेन कैरेक्टर जिसका है अभीरा और अरमान का, सारा गम सारा दुख तो बेचारों उन लोगों को ही झेलना पड़ रहा है। जब देखो अभीरा पे कोई ना कोई प्रॉब्लम का पहाड़ टूट जाता है, इस बार एक नया पहाड़ टूट चुका है जहाँ पे अभीरा को 2 मिनट की हैप्पीनेस मिली थी। उन्हें पता लगा था कि उनके रियल घर वाले कौन है, उससे पहले अरमान नाराज़ थे, अरमान को मनाया अभीरा ने, अरमान बात को समझे, तो फिर उसके बाद अभीरा थोड़ी खुश हुई, उनके मोमेंट आए कि फाइनली अभीरा को पता लग गया कि जो रूही है उनकी सगी बहन है और जिनको वो नानू साहब बोलती है वो रियल में उनके परनानू है। मतलब सब कुछ पता लगा, अभीरा खुश हो गई थी कि मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है। तो वंस अगेन अभीरा पे एक नया दुखों का पहाड़ टूट चुका है जहाँ पे रूही ने बोल दिया है कि वो उसकी माता श्री की खूनी की बेटी है, तो वो उस घर में रहेगी तो रूही नहीं रहेगी। तो क्या रिएक्शन है आपका?